फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप बताऊंगा मिक्सर में ये जो नीचे एक ये बटन होता है इस टाइप का, आपने देखा होगा। आप सोचते भी होंगे कि मिक्सर के नीचे ये बटन किस लिए दिया गया आखिर। फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका जो आप सप्लाई जो आता है इसका सप्लाई सीधे सबसे पहले जाता है न्यूट्रल वाला, डायरेक्ट अंदर दे देते हैं कॉइल को, और ये जो पॉजिटिव वाला आता है इस स्विच से होके जाता है। जैसे आपके घर में लाइन वगैरह आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह, वो जैसे MCV से होकर आती है, मीटर के बाद MCV से होकर जैसे आपके घर में आती है, वैसे ही इस मिक्सर में भी न्यूट्रल तो कॉइल को दिया जाता है, जो फेस है वो स्विच से होके जाता है अंदर कॉइल तक। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है या कुछ कारण, जैसे MCV ट्रिप होती है, वैसे यहाँ से भी इसका सप्लाई कूलर का सप्लाई कट कर दिया जाता है। ये इसकी सेफ्टी के लिए दिया जाता है मिक्सर की। कई मैकेनिक क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, बोलते हैं किसी काम का नहीं, बहुत काम का है ये, आपके मिक्सर की सेफ्टी के लिए है ये। अगर ना भी हो आपके मिक्सर में तो लगा लेना चाहिए, अगर किसी मैकेनिक ने निकाल दिया हो तो। 30 रुपये का आता है, कोई ज़्यादा वो नहीं, पर आपके मिक्सर के में 700-800 रुपये का खर्चा बचा देता है ये, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है आपकी मोटर जल जाए मिक्सर की। इसमें कुछ नहीं रहता है, एक प्लेट रहती है पतली सी, जो क्या होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा होता है दूर हो जाती है, ये जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे दूर हो जाती है, जैसे सप्लाई आपका यहाँ है तो ऐसे दूर हो जाती है थोड़ी सी। फिर क्या होगा, आप बाद में तब आप जब भी जब मिक्सर चालू करेंगे ऑन नहीं होगा, आपको लगा होगा ख़राब हो गया, जल गई मोटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ देर तो इसे जो इसमें जो मेटल स्ट्रिप रहती है वो दूर हो जाती है, थोड़ा ठंडा होने दे उसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ये सॉरी हीट सेंसिटिव होती है, जैसे इसको गर्म होती है वो दूर हो जाती है, सप्लाई कट कर दी। थोड़ी देर आप वेट कीजिए, आधा एक घंटा, और फिर उसके बाद स्विच को ऑन करिए, इसको प्लग में लगाइए इसको, और स्विच ऑन कीजिए, और उसके बाद इसे दबाइए मिक्सर के नीचे, मिक्सर को आड़ा कर लें और इसको आप प्रेस करें, ऐसा करके प्रेस करते ही चालू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।